हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्टी जोन फॉर स्मार्ट एंशर्स। तो यहाँ पे बड़ी ऑफिशियल अपडेट आ रही है JMRC की, जिसमें JMRC के लिए आपकी वैकेंसी आई है। 2020 रिक्रूटमेंट जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है। इसमें स्टेशन कंट्रोलर मेंटेनर की वैकेंसी आई है। एज लिमिट आपको दिया गया है 18 से, मिनिमम 18 से 41 साल। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। ये एक ऑल इंडिया जॉब है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कौन कौन से पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से क्वालिफिकेशन वाले इसमें एलिजिबल। नोटिफिकेशन के पास चलने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही अपडेट पाने के लिए। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो आप यहां पे देख सकते हो जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है वो यहां पे आपको दिया गया है। 16 दिसंबर के डेट में ये पब्लिश हुई थी। तो यहां पे आप देख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट डेट यहां पे हम लोग देख ले, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एडवर्टाइजमेंट का डेट आपको दिया गया है 16/12/2019, और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड एप्लीकेशन फी यहाँ पे आप देख सकते हो। तो स्टार्टिंग डेट जो आपकी होने वाली है वो 23/12/2019 आपकी होने वाली है, और लास्ट डेट कब होने वाली है, 23/1/2020, यानी कि 23 जनवरी 2020 आपकी लास्ट डेट होने वाली है। फॉर्म यहाँ पे अप्लाई करने का दो मेथड आपको दिया गया। फर्स्ट मेथड यहाँ पे आपको बोला गया थ्रू JMRC रिक्रूटमेंट पोर्टल, यानी कि आप ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे राजस्थान के कैंडिडेट हो तो आप ई मित्र क्योस के थ्रू भी अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दिया गया है। तो पोस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्ट आई हुई है, कितने कितने वैकेंसीज है इस पोस्ट में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो स्टेशन कंट्रोलर की यहाँ पे जो वैकेंसी है उसमें 4 पोस्ट आपको दिए गए। आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल ओपन कंपटीशन में कोई भी वैकेंसी नहीं दी गई, 0 दिखाई गई। तो ये 0 क्यों लिखा गया है आप नीचे देख पाओगे। तो पहले यहाँ पे देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज है। तो स्टेशन कंट्रोल में 4 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 4 यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें भी आप देख सकते हो कि जनरल ओपन कंपटीशन में 0 आपको दिखा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट आपको दिया गया है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 4 वैकेंसी है। कस्टमर रिलेशंस के लिए 6 यहाँ पे वैकेंसी है। और यहाँ पे देख सकते हो मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन के लिए 8 यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9 पोस्ट है। मेंटेनर फीटर के लिए 1 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 39 पोस्ट आपको दिए गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ नोट्स दिए गए आप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ नोट्स दिया गया है। यहाँ पे आपको लिखा गया है जनरल कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ऑल दीज पोस्ट इवन इफ नो वैकेंसी इज अवेलेबल फॉर देम फॉर एनी ऑफ द पोस्ट। यानी कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वैकेंसी 0 दिखा रही है फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कंसिडर किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा, अगर कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं होता है OBC, ठीक है, OBC, EWS हो गए, अगर इसमें से कोई कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपको उसमें कंसीडर किया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बात कर ले रिजर्वेशन की। तो रिजर्वेशन किनको मिलने वाली है, तो रिजर्वेशन SC, ST, OBC, EWS, MBS को यहाँ पर रिजर्वेशन मिलने वाली है। ये राजस्थान की तरफ से वैकेंसी आई, तो जो लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये वैकेंसी दी गई है। ठीक है, ये रिजर्वेशन उनके लिए दी गई है। ये रिजर्वेशन का फ़ायदा उन्हीं को मिल पाएगा जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये रिजर्वेशन उन्हीं को फ़ायदा दे पाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात कर ले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो क्या यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले स्टेशन कंट्रोलर के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन आपसे मांगा गया है, 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट भी है। आप तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे +2 वाले भी एलिजिबल है। आप देख सकते हो +2 यहाँ पे आपको दिया गया। मैथमेटिक्स और फिजिक्स एज वन द सब्जेक्ट पास्ड इन सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, तो और इक्विवेलेंट यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल है। तो जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे आपसे डिग्री मांगा गया है इन सिविल इंजीनियरिंग, 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट आपसे मांगा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसमें आपसे डिग्री मांगा गया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट आपसे मांगा गया है
50% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, तो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए आप देख सकते हो डिग्री आपसे मांगा गया इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट आपसे यहाँ पर मांगा गया 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कस्टमर रिलेशंस असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है 50% मार्क्स आपको यहाँ पे होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर ले मेंटेनर इलेक्ट्रिशियन के लिए जो पोस्ट है इसके लिए बात कर ले, तो यहाँ पे अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है और अगर आपने ITI कर रखा है इलेक्ट्रिशियन से तो यहाँ पे आप एलिजिबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें भी वही दिया गया है अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से तो आप यहाँ पे एलिजिबल है, अगर आपने ITI कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट देख लेते हैं मेंटेनर फिटर के लिए, तो मेंटेनर फिटर के लिए भी आपसे यहाँ पे अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप इसमें एलिजिबल हो, अगर आपने ITI कर रखा है फिटर तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो, आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। कट ऑफ डेट आप देख सकते हो, कट ऑफ डेट यहाँ पे रखा गया है डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी के लिए तो 23/1/2020 रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप एज लिमिट देख सकते हो, एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज 21 ईयर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप मेंटेनर के लिए फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे आप मिनिमम आपका 18 ईयर भी एज है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे मैक्सिमम दिया गया है 41 साल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले, तो एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको दिया गया है फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ यहाँ पे उनके लिए 250 दिया गया है, फॉर ST/ST SC/ST कैंडिडेट जो कि राजस्थान के मूल निवासी है उनके लिए 250 दिया गया है, OBC EWS MBC के लिए यहाँ पे 400 दिया गया, अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हो तो आपके लिए 400 यहाँ पे दिया गया, फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स यानी कि अगर जनरल की बात करें तो यहाँ पे उनके लिए 500 रखी गई है फीस। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, यहाँ पे ऑफिशियल साइट आपको मेंशन किया गया www.jmrcrecruitment.in पे आप जाके यहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। फुल नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है वहाँ से आप इसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ पे ऑफिशियल साइट की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो आप ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे मिल जाते हैं बहुत सारे जॉब अपडेट्स और यहाँ पे आपको मिल जाता है फ्री स्टडी मटेरियल, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फॉर मोर नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।